तरफ से सभी सरकारी स्कूल DOE हों चाहे MCD हों, सभी के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है 24 अप्रैल 2023 को, जो सभी टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी क्लास ग्रुप में सभी पेरेंट्स तक स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें, ताकि यहाँ पर जो भी अपडेट हैं वो सभी पेरेंट्स तक पहुँचे। और सब्जेक्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर रिगार्डिंग मेगा पेटीएम रिजॉइंडर, यानी कि जो मेगा पेटीएम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होना है उसके रिगार्डिंग है। जो पेटीएम की डेट है वो चेंज कर दी है, साथ में पूरा सिस्टम भी चेंज कर दिया है, क्योंकि इस बार जो है हमारे जो एजुकेशन डायरेक्टर साहब है हिमांशु गुप्ता जी, उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की क्लासें होनी हैं उन पर है। तो स्ट्रिक्टली कहा गया कि कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि भाई सेपरेटली जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट टीचर हिंदी इंग्लिश मैथ साथ में क्लास टीचर पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा अगर किसी ने ढिलाई बरती। तो सबसे पहले ये जो पीटीएम थी ये 28 अप्रैल को होनी थी, इसे चेंज करके अब 30 अप्रैल कर दिया, यानी कि संडे को कर दिया है। तो संडे को करने का क्या रीज़न है, यानी कि सभी टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स को अब संडे को स्कूल आना है, 30 तारीख को स्कूल खुला रहेगा संडे को। अब इसका 30 तारीख का क्या रीज़न है संडे का, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ कि जो मेगा पीटीएम है वो स्पेशली मिशन बुनियाद को लेकर के हैं, जो गर्मियों की छुट्टियों में चलने वाला है 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो उनके लिए यहाँ पर जो मेगा पीटीएम है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। समर कैंप में आपको गर्मियों की छुट्टियों में किसी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं करनी है, टीचर्स की छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मिशन बुनियाद को स्पेशली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो 10 तारीख 10 मई तक नॉर्मल क्लासेज चलेंगी, 11 मई से लेकर के 10 जून तक समर कैंप यानी कि मिशन बुनियाद चलाया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस यानी कि जो पीटीएम में पेरेंट्स को बताया जाएगा कि अगर वो 3rd से लेकर के 5th क्लास तक है तो उनका बच्चा क्या पढ़ पा रहा है ना। तो अगर उनका बच्चा पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहा है तो वो जो है फ्लुएंटली शॉर्ट स्टोरी पढ़ पाए, एवल हो हिंदी में और इंग्लिश में, साथ में 3rd to 8th वाले जो है वो एडवांस स्टोरी को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ। लिखना और पढ़ने पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार जो है 5वीं और 8वीं में फेल होने का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। तो बच्चों को पेरेंट्स को उस सिचुएशन को समझाना है कि भैया जो इस बार फेल होने का भी सीन है, इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस मिशन बुनियाद में ज़रूर भेजें। स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा गया है इस पीटीएम में, साथ में 3rd to 8th के लिए अगर मैथ्स हैं तो मैथ्स में अगर वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जोड़ घटा नहीं पा रहे, तो उनको जो है डिवीज़न तक पहुंचाना है और इजीली बच्चा समझ पाए। तो पेरेंट्स को उनके सेपरेटली ईच स्टूडेंट के प्रत्येक बच्चे को बच्चे का बताया जाएगा कि आपका बच्चा किस लेवल पर है, पेरेंट्स को बताया जाएगा इस पीटीएम में, और उन्हें ये दिखाया जाएगा कि भाई आपको बच्चे को भेजना ही भेजना है अपने इस मिशन बुनियाद में। और मिशन बुनियाद जो कि 10 जून तक चलाया जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है इनविटेशन कार्ड बनाए जाएंगे स्कूल की तरफ से, जो कि बच्चे और बच्चे यहाँ पर मिलकर बनाएंगे जो भी हैं, और वो पेरेंट्स को भेजे जाएंगे। साथ में सभी पेरेंट्स जो कि अटेंड नहीं करते हैं मेगा पेटीएम, उनको फ़ोन कॉल किया जाएगा क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स के माध्यम से। अगर कोई पेरेंट्स स्कूल नहीं आते हैं या कम पेरेंट्स अटेंड करते हैं तो इनके लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है कि भाई उनको बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो संख्या है वो पीटीएम में होगी। साथ में एक टाइम टेबल जो है वो बनाया जाएगा 3rd to 8th के लिए, जिसमें कि बच्चों की रीडिंग राइटिंग बेसिक मैथ्स वगैरह का रहेगा, एक्टिविटी बेसिस पर यहाँ पर उनकी पढ़ाई होगी। यू द मिशन बुनियाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो सभी टीचर्स तक टीचिंग जो मटेरियल है वो शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर जो टीचर्स अगर MCD के टीचर्स हैं उन्हें स्पेशली कहा जाएगा कि भाई इसमें फोकस करें। साथ में जो जो प्लान के बच्चे हैं, जो प्लान के स्कूलों से बच्चे आए हैं, उन्हें उन स्कूलों के टीचर्स को भी यहाँ पर कॉल करने के लिए कहा जाएगा। साथ में जो स्पेशली टाइमिंग है
जो द टाइमिंग ऑफ द समर कैंप शैल बी 7:30 to 11 AM, यानी कि 7:30 to 11 बजे तक यहाँ पर ऑल शिफ्ट, चाहे आप बॉयज़ हों गर्ल्स हों, सभी के लिए 7:30 to 11 चलेगा मिशन बुनियाद, जिसमें एक एक घंटे की एक क्लास रहेगी मैथ इंग्लिश एंड हिंदी, और आधा घंटा जो रहेगा वो रहेगा ब्रेक के लिए, यानी कि थोड़ा सा बच्चे लंच वगैरह कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शेयर की है वो है एवरी सैटरडे को वीकली डाटा प्रोग्रेस क्या है वो चाइल्ड को दिखाया जाएगा, पेरेंट्स को दिखाया जाएगा, तो पेरेंट्स को इनविटेशन रहेगा हर सैटरडे को स्कूल बुलाने के लिए। साथ में ऑनलाइन भी डाटा यहाँ पर सैटरडे को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूर दिखाना है कि स्टार्टिंग में जो लेवल रहे बच्चे का वो एक्चुअल लेवल रहे, स्टार्टिंग में लेवल आप गलत बिल्कुल ना भरें, जो जिस लेवल पर हिंदी इंग्लिश और मैथ में बच्चा है उसी लेवल पर उसे दिखाया जाएगा, ताकि हर सैटरडे को थोड़ा थोड़ा वो जितना भी अपग्रेड कर पा रहा हो वो पेरेंट्स को दिखाया जाएगा, साथ में ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा। साथ में जो एंड में यानी कि लास्ट में होगा, यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी और पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाएगा लास्ट डे ऑफ द कैंप, यानी कि समर कैंप के लास्ट डे फिर से पीटीएम होगा और वहाँ पर फिर से पेरेंट्स को बताया जाएगा कि भाई आपके बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी बनानी है। भाई सारे पेरेंट्स को स्कूल आना कंपलसरी रहेगा, तो फटाफट से अपने सभी पेरेंट्स तक, सभी स्टूडेंट्स तक ये अपडेट पहुँचाए। संडे को इस बार जो है स्कूल आना ही आना है, सभी पेरेंट्स को आना है, टीचर्स को आना है, स्टूडेंट्स को आना है, उनको जो क्लास टीचर हैं। ये संडे को इसलिए रखा गया है क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो है वो वर्किंग डेज में नहीं आ पाते हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती है, काम पे जाते हैं, तो अब वो स्कूल आ पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों शेयरिंग कर दो फटाफट से, इस बार कोई भी बहाना नहीं चल पाएगा कि पेरेंट्स नहीं आते, ड्यूटी होते हैं, क्योंकि संडे को इसलिए रखा था कि मैक्सिमम पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी पेरेंट्स का कोई बहाना ना चले। तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपके इसी पढ़ाई पर किया जाएगा, जो भी एक्टिविटी है। इस बार जो है बच्चा फेल होगा 8वीं में और 5वीं में, तो उस दौर से ना गुजरे, इसके लिए पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि इस बार MCD में भी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो MCD के स्कूल हों चाहे वो DOE के स्कूल हों, सभी में सेम तरह से ये जो मिशन बुनियाद है वो चलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शेयरिंग करनी है सभी दोस्तों को, साथ में यहाँ पर जो SMC मेंबर्स हैं, जो स्कूल मित्र हैं, उनको कहा गया है कि भैया ये जो अपडेट है वो सभी तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।